जुनपुर नाम के गांव में अब्दुल नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। अब्दुल की माँ का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। अब घर के सारे काम करना और लोगों की यहाँ मजदूरी करना, यही उसका काम था। अब्दुल दिन भर एक जमींदार के यहाँ जाकर काम किया करता था और जो कुछ भी मजदूरी मिलती थी उससे वो दोनों बाप बेटे अपना गुजारा किया करते थे। अब्दुल पढ़ा लिखा नहीं था, बस गांव में ही मजदूरी कर कर अपना और अपने पिता का पेट पालता था। एक दिन अब्दुल अपना काम खत्म कर घर वापस लौटा तो उसके पिता ने कहा, अरे अब्दुल, कितने दिन ऐसे इधर उधर काम करता रहेगा? गांव में आज काम रहता है तो कल नहीं, तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते? नहीं अब्बू, मैं तो सेठ जी के यहाँ मजदूरी करने गया था। ये देखो, बदले में सेठ जी ने मुझे आज एक चावल और कुछ मटन दिया है। अरे बेटे, मजदूरी ही करनी है तो शहर में अपने चाचू के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हें पैसे भी अधिक मिलेंगे। हाँ अब्बू, चला जाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं आपको मेरे हाथ की मटन बिरयानी खिलाता हूँ। अब्दुल कुछ ही देर में बिरयानी बनाकर लाता है और वो दोनों मटन बिरयानी खाने लगते हैं। अरे बेटे अब्दुल, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है आज, शुक्रिया पिताजी। और अगले ही दिन सुबह अब्दुल अपने पिता की बात मानकर शहर अपने चाचू के घर चला जाता है। अब्दुल के चाचू शहर में एक बड़ी सी कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन वो बहुत ही लालची और स्वार्थ बुद्धि के थे। अरे अब्दुल, तुम कब आए तुम? और भाई साहब कैसे हैं? कहो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? चाचू, मैं काम की तलाश में शहर आया था। अच्छा, लेकिन अब्दुल, इधर काम मिलना इतना आसान नहीं है, और काम के साथ साथ तुम्हें खुद के रहने का भी तो इंतजाम करना होगा। मैं तुम्हें अपने घर में हमेशा नहीं रख सकता। नहीं नहीं चाचू, आप बस मुझे कहीं पर काम लगवा दो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगा। चलो अच्छी बात है, अब तुम जल्द से जल्द अपने रहने का बंदोबस्त कर लो, मैं तुम्हें कहीं काम मिलता है क्या देखता हूँ। ठीक है चाचू। अब्दुल के चाचू अब्दुल को दूसरे ही दिन उनकी पहचान के एक वर्कशॉप पर काम पे लगा देते हैं। उस वर्कशॉप का मालिक अब्दुल के चाचू का बड़ा ही अच्छा दोस्त था। अब्दुल के चाचू उस वर्कशॉप के मालिक से अब्दुल की आधी तनख्वाह लेने की बात भी कर लेता है और आधी अब्दुल को देने के लिए कहता है। अब्दुल बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती लड़का था। वो उस वर्कशॉप पर बहुत ही मन लगा कर काम करता था, साथ ही वर्कशॉप की सारी जिम्मेदारियां भी संभालने लगा था। लेकिन उसे रहने के लिए बाहर कहीं भी मकान नहीं मिला था, इसीलिए वो हर रोज फुटपाथ पर ही सोया करता था। एक दिन वर्कशॉप का मालिक अब्दुल को फुटपाथ पर सोया हुआ देखता है। उसे अब्दुल पर बहुत तरस आता है। और इधर अब्दुल का चाचू हर महीने अब्दुल की आधी तनख्वाह लेकर जाता था। दूसरे दिन वर्कशॉप का मालिक अब्दुल के पास आकर अब्दुल से, बेटे अब्दुल, क्या तुम तुम्हारे चाचू के साथ नहीं रहते? नहीं मालिक, अभी तक मुझे रहने के लिए कोई मकान ही नहीं मिला, इसलिए मैं फुटपाथ पर ही सो जाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं अपने रहने का इंतजाम जरूर कर लूंगा मालिक। अब्दुल की बातें सुनकर मालिक को सब बातें समझ में आ जाती है कि अब्दुल के चाचू बेचारे अब्दुल की कोई मदद नहीं कर रहे, ऊपर से उसकी आधी तनख्वाह भी ले रहे हैं। और तो और, ये बेचारे अब्दुल को पता ही नहीं। तभी मालिक अब्दुल से, देखो बेटे अब्दुल, आज से तुम्हें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने वर्कशॉप के पीछे जो एक रूम है वही रहा करो, वहाँ पर सारी चीजें है। और हाँ, आज से तुम्हारी पगार भी डबल, क्योंकि तुम यहाँ रहकर वर्कशॉप की भी तो देखभाल करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब अब्दुल वर्कशॉप में ही रहने लगा और अपना काम मन लगा कर करने लगा। एक दिन सारा काम खत्म होने के बाद अब्दुल अपने रूम पर मटन बिरयानी बनाता है। तभी वर्कशॉप का मालिक वहाँ आ जाता है और वो अब्दुल से, अरे अब्दुल बेटे, क्या बनाया है खाने में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मालिक, आज मैंने मटन बिरयानी बनाई है, क्या आप मेरे हाथ की मटन बिरयानी खाओगे? अरे तो सोच क्या रहे हो भाई, लाओ जल्दी बिरयानी, दोनों आज मिलकर खाते हैं। मालिक उसके साथ खाना खाएंगे ये सुनकर अब्दुल बहुत खुश हो जाता है और अपने मालिक के लिए एक प्लेट में बिरयानी निकाल कर लाता है और दोनों मिलकर बिरयानी खाने लगे। वाह 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 वाह, लाजवाब। अरे अब्दुल, तुम तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हो भाई, शुक्रिया मालिक। अरे अब्दुल, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ये वर्कशॉप का काम छोड़ो और एक बिरयानी का ठेला लगा लो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा।
कुछ ही दिनों में अब्दुल के मालिक ने उसे शहर के चौराहे पर एक बिरयानी का ठेला लगवा दिया। जो भी राहगीर वहाँ से गुजरता बिरयानी की खुशबू से वहाँ खींच लाती थी। बहुत ही कम समय में अब्दुल का मटन बिरयानी का काम एकदम से चल पड़ा और उसके ग्राहक दिन ब दिन बढ़ने लगे। अरे भाई अब्दुल, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाते हो, मजा आ जाता है तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाकर। हाँ भाई हाँ, ऐसी बिरयानी तो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता। जी शुक्रिया भाई साहब। अब देखते ही देखते अब्दुल की बिरयानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। उसके मालिक ने भी उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर शहर में अब एक बड़ा सा होटल खरीद लिया और दोनों ने मिलकर उनके बिरयानी का व्यापार बहुत बढ़ाया। अब उनके शहर में 7-8 होटल हो चुके थे। पूरे शहर में अब्दुल का मटन बिरयानी अब फेमस हो चुका था। अब्दुल ने शहर में अब अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया था और अपने पिताजी को शहर लेकर आया और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं मेहनत ही सफलता की पूंजी है। राधानगर नाम के गांव में सुरेखा अपने पति विश्वनाथ के साथ रहती थी। उसे एक बेटा था जो विदेश में नौकरी करता था। सुरेखा और विश्वनाथ बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। वो दोनों हर एक चीज का मोल लगाते थे, साथ ही सबसे सस्ती जो भी चीज मिले वही अपने घर में लाते थे। अब उनका बेटा शुभम अपने गांव में लौट आता है और कुछ दिन वहीं पर रहने वाला था, तो सुरेखा और विश्वनाथ शुभम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखने लगते हैं। वो अपने बेटे की शादी बहुत बड़े खानदान में करना चाहते थे ताकि बहू घर आते वक्त बहुत सारा धन लेकर आए। लेकिन एक दिन शुभम उन्हें बताता है कि वो एक माधुरी नाम की लड़की से प्यार करता है जो उसके साथ में कॉलेज में पढ़ती थी, जो बहुत ही गरीब खानदान से है। शुभम के विदेश जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते हैं। ये सुनते ही शुभम की माँ शुभम से, ये क्या बदतमीजी है शुभम, हम तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे खानदान में करना चाहते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम किसी गरीब घर की लड़की से प्यार करते हो। अरे वो इस घर में कुछ नहीं ला सकती। अरे माँ, हमें किसी चीज की क्या जरूरत है, और हमारे पास सब कुछ तो है। वो हमारे घर में प्यार ला सकती है, हमें एक दूसरे से बांध कर रख सकती है। माँ, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ माधुरी से ही। अरे बेटा जरा सोचो तो, अमीर घर की लड़की अगर हमारे घर में आएगी तो वो सोना चांदी पैसा सब कुछ लेकर आएगी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद भी शुभम अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था, तो ना चाहते हुए भी सुरेखा और विश्वनाथ को शुभम की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन दोनों की शादी करवानी ही पड़ी। सुरेखा और विश्वनाथ ने माधुरी और शुभम की शादी बड़े ही साधारण तरीके से करवाई। वो शादी में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे। अब शादी के कुछ ही दिनों बाद सुरेखा माधुरी को घर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करने लगी। जैसे कि जब भी माधुरी खाना बनाती और उसे ढककर अपने कमरे में जाती तो सुरेखा वहां पर जाकर उसमें एक तो नमक ज्यादा डाल देती या फिर लाल मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करती, और जब भी वो खाना खाने बैठती तो तमाशा शुरू कर देती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह अपना काम खत्म कर माधुरी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और खाना शुरू करते हैं। पहला निवाला खाते ही सुरेखा, ये क्या है माधुरी, ये क्या बनाया है तुमने, इसमें तो सिर्फ मिर्च लग रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पानी में मिर्च डालकर खिलाया हो, तुझे तो ठीक से खाना भी बनाना नहीं आता। अरे अब तो ये हर रोज का हो गया है। शुभम, क्या ये है तुम्हारी पसंद, ये तुम्हारी पसंद जिसे खाना बनाना भी नहीं आता। सुरेखा के हर रोज के ताने सुनने के बाद भी माधुरी उनसे कुछ भी नहीं कहती। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, उसमें सहनशीलता भी बहुत ज्यादा थी। अब शुभम को भारत में आए हुए 1 महीना गुजर चुका था और उसे अपने काम से फिर से वापस जाना पड़ रहा था, तो वो माधुरी से, माधुरी मुझे कुछ समय के लिए फिर से विदेश जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, जैसे ही कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है मैं वापस लौट आऊंगा और यही रहूंगा और यही पर अपना कुछ नया काम शुरू कर दूंगा। ठीक है शुभम, तुम अपना काम मन लगा कर करना, लेकिन हाँ वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल वापस नहीं जाने दूंगी। शुभम और माधुरी की सारी बातें सुरेखा चुपचाप से कमरे के बाहर खड़े रहकर सुन रही थी। अब सुरेखा मन ही मन, हाँ 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 बढ़िया ही, फिर से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी वाली, अगर मेरा बेटा काम नहीं करेगा तो पैसे कैसे आएंगे इस घर में। अब शुभम अपने काम के लिए विदेश चला जाता है।
दो तीन दिन बीत जाने के बाद एक दिन माधुरी अपने सारे काम खत्म कर अपने कमरे में टीवी देख रही थी, तो उसे देख सुरेखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजी सुनते हो, टीवी देखने के अलावा भी और कोई काम है आपको? सुरेखा जोर जोर से बातें कर रही है, ये सुन माधुरी भागते हुए वहां पर आ जाती है और ये देख सुरेखा और जोर जोर से बातें करने लगती है। सारा दिन बस टीवी ही देखते रहते हो, हर कमरे में एक एक पंखा चलता है और लाइट, वॉशिंग मशीन, अरे इस महीने का बिल भी देखा है, और तो और ऊपर से टीवी कनेक्शन के अलग से पैसे देने पड़ते हैं, इतने सारे खर्चे हैं और कमाने वाला तो सिर्फ एक ही है ना। माधुरी अब बस बहुत हो चुका, आज से सारे टीवी कनेक्शन बंद, इस घर में सिर्फ एक ही पंखा चलेगा, दिन भर कोई भी लाइट इस्तेमाल नहीं करेगा, इतनी कड़ी धूप है तो अब से वॉशिंग मशीन भी बंद, फ्रिज की भी कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में, ठीक है याद रखना। ऐसा कहकर सुरेखा वहां से चली जाती है, विश्वनाथ के साथ अपने कमरे में आराम से पंखा लगा कर सो जाती है। इस बात से माधुरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पंखा और टीवी बंद कर देती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुरेखा उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी और स्वभाव से तो वो कंजूस ही थी, तो वो हर रोज बाजार से सबसे सस्ती वाली सब्जियां खरीद कर लाती और वही सब्जियां कम तेल में पकाने के लिए कहती थी। अब कड़ाड़ती गर्मी आ चुकी थी, एक दिन अपने सारे काम पूरे कर माधुरी ने आलू के पापड़ भी बनाए थे, तो वो थकी हारी गर्मी से परेशान सुरेखा के कमरे में पहुंचती है, सोचती है कि पंखे के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेगी, लेकिन वहां पर विश्वनाथ सोया हुआ था, तो माधुरी को अपने कमरे में देख सुरेखा, क्या हुआ माधुरी, कुछ चाहिए था क्या? नहीं माँ जी, वो मैं आज बहुत थक गई थी, सुबह से धूप में काम कर रही हूँ तो पंखे की हवा खाने यहाँ आ गई। देखो माधुरी, तुम्हारे ससुर अभी अभी सोए हैं और मैं उन्हें तुम्हारे लिए तो नहीं जगा सकती, ये लो ये हाथ पंखा, इसी से अपने लिए हवा चला लेना। माधुरी ये सब देखकर मन ही मन बहुत रोती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन माधुरी घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी उसे सारी वाले की आवाज सुनाई दी। उसे सुन माधुरी ने उसे आवाज लगाई और सारिया देखने लगी कि तभी सुरेखा वहां आ जाती है और वो माधुरी से, माधुरी इसे क्यों बुलाया? माँ जी, मेरी कुछ साड़ियाँ खराब हो चुकी है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक हाथ साड़ी ले लूँ। अरे बहू, तेरी शादी में तो कितनी सारी साड़ियाँ आई हुई है, उसी में से कोई निकाल ले, तुझे कितनी बार कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फिजूल के खर्चे मत किया कर, लेकिन तू है कि सिर्फ खर्चे पर खर्चे ही किए जा रही है। माधुरी को सुरेखा की बात बहुत दुख पहुँचाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। तभी वो साड़ी वाला सुरेखा से, अरे बहन जी, आपकी बहू का इतना मन है तो ले लीजिए ना एक साड़ी, इतनी ज्यादा महंगी भी तो नहीं है। हाँ पता है, तुम्हारी बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बहू उसके मायके से आते वक्त कोई खजाना नहीं लेकर आई है कि आए दिन उसे कुछ न कुछ खरीद कर दे दूं। चलो जाओ यहाँ से। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते है। एक दिन माधुरी की माँ माई उसे मिलने के लिए माधुरी के ससुराल में आती है। उन्हें देख सुरेखा मन ही मन, हे प्रभु, पता नहीं इतनी महंगाई में यहाँ पर क्यों आई होंगी। माधुरी की माँ आते वक्त खूब सारे फल, ताजी सब्जियाँ और कुछ लड्डू लेकर आई थी। वो साइड में रखकर माई माधुरी से, माधुरी बेटा, तुम तो दिन ब दिन बहुत ही खराब होती जा रही हो, अपने आप की ओर देखा भी है? जिस दिन दामाद जी घर आएंगे तो तुम्हें ऐसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाएंगे बेटा। माँ, क्या बताऊँ तुम्हें, ये मेरी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस और घमंडी है, वो घर में दिन हो या रात पंखा भी नहीं चलाने देती, पूरा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ माँ, और बाजार से सबसे सस्ती वाली सब्जियाँ उठा कर लाती है, और फल वो तो कभी नहीं आते हमारे घर में। माधुरी की सारी बातें सुरेखा ने सुन ली तो वो आगे आकर, देखिए समधन जी, अगर आपको कोई एतराज हो तो आप आपकी बच्ची को यहाँ से लेकर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप ही उसके लिए फल और ताजी ताजी सब्जियाँ लेकर आइएगा। जी वो तो मैं अपने गांव से ही लेकर आई हूँ, ये लीजिए। सुरेखा फल और सब्जियों की थैली लेकर किचन में चली जाती है और उसमें से एक फल निकाल कर खाने लगती है और मन ही मन, वाह 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 वाह, कितने दिन बीत चुके है कि मैंने एक फल भी नहीं खाया, ये तो कितने रसीले लग रहे है, मैं अभी से खा लेती हूँ। सुरेखा किचन में जाकर एक फल खा रही थी
और यहाँ माधुरी अपनी माँ से। माँ मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आखिर ये मेरा ही तो घर है ना माँ। अब माधुरी से कुछ बातें कर माई अपने घर लौटने के लिए निकल रही थी कि तभी सुरेखा, अरे आप इतनी जल्दी निकल रही है, बैठिए ना कुछ देर और। वो क्या है ना कि चाय बना रही थी लेकिन चाय की पत्ती ही खत्म हो चुकी है घर में से। कोई बात नहीं समधन जी, मैं चलती हूँ। अब ऐसे ही 6 महीने गुजर चुके थे। शुभम अपने देश में वापस लौटने वाला था कि अचानक से काम करते करते एक दिन माधुरी को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, तो उसे बेड पर लिटाकर सुरेखा डॉक्टर को कॉल करती है और उन्हें वहीं पर बुलवाती है। अब डॉक्टर सुरेखा से, अरे माँ जी, इनके शरीर में तो विटामिन और कैल्शियम की बहुत कमी है, इसलिए इन्हें ये चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब इसके इलाज में कितने रुपए खर्च होंगे? 1000-2000 रुपए की दवाइयाँ हो जाएगी माँ जी। डॉक्टर के बाहर जाते ही सुरेखा मन ही मन, अरे अगर मैं इस पर 1000-2000 रुपए खर्चा करूंगी तो कैसे चलेगा, हमारा तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसे घर के नुस्खे इस्तेमाल करके ही अच्छा कर देती हूँ। अब सुरेखा माधुरी को बहुत सारा पानी पिलाने लगी और खाने में वैसी ही रोज की तरह सस्ती वाली सब्जियाँ, सस्ते वाले फल वही लाकर खिलाने लगी। लेकिन माधुरी की तबीयत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी कि तभी एक दिन शुभम घर वापस लौटता है। वो घर आते वक्त बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन सुरेखा और विश्वनाथ बाजार में गए हुए थे। माधुरी घर में अकेली ही थी और माधुरी को बीमार देख वो बहुत दुखी हो जाता है। वो माधुरी से, अरे माधुरी ये सब क्या है, तुम कितनी खराब हो चुकी हो, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है और माँ पिताजी कहाँ है, तुम्हें इस हालत में रखकर वो कहाँ चले गए। शुभम को घर आया देख माधुरी जोर जोर से रोने लगती है और उसके पास जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती। ये देख शुभम उसके पास जाकर बैठता है। तभी माधुरी शुभम से, जी वो माँ जी और पापा जी बाहर बाजार गए हैं। अब माधुरी रोते रोते शुभम को सारी बात बताती है। शुभम उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर जाता है और उस पर इलाज करवाना शुरू करता है। यहाँ सुरेखा और विश्वनाथ घर आते हैं और माधुरी को देखने लगते हैं। तभी शुभम अस्पताल से घर लौटता है। शुभम को सामने खड़ा देख सुरेखा और विश्वनाथ डर जाते हैं और शुभम अपनी माँ से, अरे माँ माधुरी कहाँ है, मैं आप सबके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। शुभम घर आते ही माधुरी के बारे में पूछ रहा है। ये सुन सुरेखा और विश्वनाथ बहुत डर जाते हैं। वो शुभम से, बेटा वो हम बाजार गए थे, माधुरी घर पर ही थी और पता नहीं अब कहाँ चली गई, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। माँ पिताजी, आप दोनों उसे बीमारी की हालत में छोड़कर बाजार में चले गए, क्या आप उसका अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते थे? आपको पता भी है माधुरी को आज ICU में रखा गया है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, डॉक्टर ने उसके बचने की भी आशंका बताई है। पता नहीं आपका ये घमंड, आपकी ये कंजूसी कब खत्म होगी। अगर मेरी माधुरी को कुछ हुआ ना तो ये समझ लेना कि आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। फिर कभी मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना, मुझसे बात भी मत करना तुम। शुभम के ऐसे कहते ही सुरेखा और विश्वनाथ की आंखें खुल जाती है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो दोनों शुभम से माफी मांगते हैं और अस्पताल जाकर माधुरी के लिए दुआ भी करते हैं, साथ ही उसकी सेवा भी करते हैं। कुछ ही दिनों में माधुरी अच्छी हो जाती है और घर लौटती है। तब सुरेखा माधुरी से, माधुरी हमें माफ कर देना बेटा, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म उठाए हैं, लेकिन तुमने आज तक उफ तक नहीं किया, हमने हमेशा कंजूसी की, साथ ही हमें इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि हमारा बेटा विदेश में काम करता है और उसे बहुत सारी तनख्वाह मिलती है। हमारी कंजूसी और घमंड के कारण ही हमने हमारे घर के लक्ष्मी से एक काम वाली की तरह बर्ताव किया, इसीलिए हमें माफ कर देना बेटा। आज के बाद जैसा शुभम हमारे लिए है वैसे ही तुम भी हमारी बेटी हो।